हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ओ वीडियोज़ में तो आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इंजन टर्मिनोलॉजी तो हम आज डिस्कस करेंगे इंजन टर्मिनोलॉजी में कौन कौन सी डेफिनेशनस आती हैं पिस्टन और सिलेंडर के बारे में तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अगर आ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को तो जो इंडियन टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो है बोर बोर क्या होता है इट इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ नोन एज बोर इट इज़ एक्सप्रेसड इन एम मतलब जो बोर होता है वो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर होता है जिसे हम बोर कहते हैं और वो एम mm एम में एक्सप्रेस किया जाता है तो जो भी सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर जहाँ पे मूव पिस्टन जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है तो जो सिलेंडर होता है उसके इंटरनल डायमीटर जो होता है उसको हम बोर कहते हैं इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है स्ट्रोक तो स्ट्रोक जो होता है वो होता है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज मड इन एम एम तो स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक जो होता है वो पिस्टन का डिस्टेंस ट्रैवल होता है जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जब भी पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है तो जब वो पिस्टन जाता है तो हम उसको स्ट्रोक बोलते हैं ये एमएम mm में एक्सप्रेस किया जाता है तो अब आगे डेफिनेशन की बात करते हैं तो आगे डेफिनेशन आती है डेड सेंटर तो डेड सेंटर इट इज़ द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पिस्टन इन साइड द सिलेंडर ड्यूरिंग इट्स मोशन आर नोन एज डेड सेंटर पोजिशन मतलब डेड सेंटर इसकी पिस्टन की एक्सट्रीम पोजिशन होती हैं जहाँ तक पिस्टन एक्सट्रीमली मूव कर सकता है जैसे कि इसके जो दो डेड सेंटर्स होते हैं वो होता है टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर तो बात करें टॉप डेड सेंटर के बारे में तो ये ये टॉप मोस्ट पोजीशन होती है पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान तो टॉप टॉप डेड सेंटर जो होता है जब पिस्टन सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है तो हम उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं और बात करें बॉटम डेड सेंटर की तो ये एक बॉटम मोस्ट पोजिशन होती है पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान मतलब जब भी पिस्टन सबसे बॉटम मोस्ट पोजिशन पर होगा तो हम उसे बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे तो अब आगे बात करते हैं क्रैंक थ्रो के बारे में तो क्रैंक थ्रो होता है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक शाफ्ट एंड द क्रैंक पिन इज कॉल्ड क्रैंक थ्रो मतलब क्रैंक थ्रो जो क्रैंक शाफ्ट का सेंटर होता है और क्रैंक पिन जो होती है उसके बीच का डिस्टेंस होता है तो ये जो होता है ये बिल्कुल आधा होता है स्ट्रोक लेंथ की तो जो क्रैंक थ्रो है वो वो क्रैंक शाफ्ट के सेंटर और क्रैंक पिन के बीच का डिस्टेंस होता है आप इमेज में भी देख सकते हैं क्रैंक थ्रो अब बात करते हैं इसके क्लियरेंस वॉल्यूम के बारे में तो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर बिलो द सिलेंडर हेड एंड अबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम इसका मतलब ये है कि जो वो जो भी वॉल्यूम पिस्टन के अंदर सिलेंडर हेड के नीचे और पिस्टन पिस्टन के ऊपर जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे हो जो भी क्लियरेंस बचेगी उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे यानी कि जब भी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक आएगा तो उसके पिस्टन तो पूरा ऊपर तक नहीं जाता इसलिए उसके बीच में कोई ना कोई क्लियरेंस बची रहती है जिसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं जहाँ तक पिस्टन मूव नहीं कर सकता उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं अब बात करें इसके स्वेफ्ट वॉल्यूम के बारे में तो स्वेफ्ट वॉल्यूम को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम स्वैप्ड बाय द पिस्टन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स डेड सेंटर्स पोजीशन टू अदर इज कॉल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब कि जब भी पिस्टन अपने कोई भी डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर की तरफ बढ़ता है तो जितना वॉल्यूम वॉल्यूम को स्वेप्ट करता है उसे स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं जैसे कि समझो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक गया तो वो जितना वॉल्यूम भी अपने साथ ऊपर लेकर जाएगा स्वैप्ट करेगा उसको हम स्वेप्ट बोलते हैं तो बात करें कंप्रेशन रेशो के बारे में तो कंप्रेशन जो होता है इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द द्लियरेंस वॉल्यूम उसे कंप्रेशन रेशो हैं मतलब कंप्रेशन रेशो वो होता है जो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होता है और जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है उसका रेशो होता है कंप्रेशन रेशो कंप्रेशन रेशो इज़ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कलेंस वॉल्यूम मतलब कंप्रेशन रेशो एक हिसाब के पिस्टन का कंप्रेशन होता है कि कितना कितना वो पिस्टन जो गैसेज को है कंप्रेस कर सकता है कितना कितनी हद तक उसको कंप्रेस कर सकता है इसे हम कंप्रेशन रेशो कहते हैं अब बात करते हैं किसकी पिस्टन स्पीड के बारे में तो द दिस्टन ट्रैवल बाय द पिस्टन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल पिस्टन स्पीड मतलब जो पिस्टन स्पीड होती है जो पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितना भी पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है उसे हम पिस्टन स्पीड बोलते हैं इसको हम मेयर करते हैं टू एल एन मीटर पर मिनट पिस्टन स्पीड को हम मेयर कर सकते हैं टू एल एन मीटर पर मिनट के हिसाब से जहाँ पे एल इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक होती है इन मीटर्स और एन इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू